तरावट आ रही है तो भैया को दही बड़े खाने के बाद में एक आत्मा की संतुष्टि मिल रही है, तरावट आ रही है। तो ये आप देख लीजिए कि ये छोटा सा आउटलेट है, बाहर भैया अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप परिणाम देख लीजिए कि लोगों को ये चीज़ जो चटकारा है, ये टेस्ट है, हेल्थ के साथ टेस्ट, ये खींच के जरूर लाता है यहाँ पर। हेलो गाइस, नमस्ते, मैं अरविंद शर्मा, एक बार आपका फिर से स्वागत है नोवेल ब्लॉग चैनल पर। हेलो गाइस, नमस्ते, मैं अरविंद शर्मा, एक बार आपका फिर से स्वागत है नोवेल ब्लॉग चैनल पर। तो अभी मैं सांगानेर पे जो हाईवे है वहाँ पे आ गया हूँ, और आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं पंडित जी के कांजीवड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम पिज्ज़ा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लेकिन कांजीवड़ा एक ऐसा फूड है हमारा जो सबसे बढ़िया है, हेल्दी रहता है। और ये भैया जिस हिसाब से बना रहे हैं आप देख सकते हैं, आपने डाल दिया ठीक है। हाँ। दही बड़े के अंदर तो लोग अगर रिक्वायरमेंट है चना डालो, वरना अगर कोई ऐसे ही कस्टमर आते होंगे। हाँ। जो बोलते हैं चना नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो नहीं डालते, नहीं डालते, लेकिन चने से टेस्ट बढ़ जाता है, राइट। हाँ, टेस्ट बढ़ जाता है। ये मसाला आप डाल रहे हैं, उस मसाले में क्या क्या है? ये लाल मिर्ची ओनली, ओनली लाल मिर्ची जी, ठीक है। चना हम इसलिए डालते हैं कि ये देसी चीज है, सेहत भी अच्छी रहती है और ताकत भी करता है। अच्छा, ताकत मतलब सेहत भी सही रहे और लोग थोड़ा चने खाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग मैदा की पपड़ी वगैरह खाते हैं, वो नुकसान करती है। हाँ हाँ, और ये नमक, ये काला नमक और सादा सेंधा नमक है, सेंधा नमक और ब्लैक सॉल्ट है ना। हाँ जी, इससे सही रहता है, थोड़ा काम करता है और इससे टेस्ट बनता है। ये दही है जी। वगैरह डाल के बनाई जाती है। अच्छा, मीठी चटनी में खजूर और सौंठ है ना, ये भी आप घर पे बनाते हैं मीठी चटनी? हाँ जी, हर चीज घर पे बनाई हुई है, ठीक है। और ये हरी चटनी, हरी चटनी इसमें ये पालक की बनती होगी? नहीं, हरी मिर्ची और ओनली धनिया, धनिया और हरी मिर्च से बनती है चटनी, राइट जी। और थोड़ा दही यूज करते होंगे इसमें, है ना, हरी चटनी में? नहीं, केवल धनिया और हरी मिर्च जी। और ये सौंठ, जीरा, और इसमें चाट मसाला, जैसे लोग चाट मसाला यूज करते हैं। हाँ हाँ, हम रामबाणा या मसाला यूज करते हैं, इसमें सारे मसाले आ जाए। तो देखने तो बहुत ऐसे टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है वो। ये भैया लिटरली मतलब आप ये हेल्थ को सही रखने का आप इलाज कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। क्योंकि चाउमीन पिज्जा से अगर निकलना है तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है अपनाना। हाँ, ये फेवर देसी चीज़ है। सर, आप यहाँ आप पहली बार खा रहे हैं या यहाँ खाते रहते हैं? जब यहाँ से निकलता रोड से हमेशा खाते जाते हैं। अच्छा, ये कांजीवड़ा तो देखिए भैया बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे खा के जाते हैं अक्सर, पंडित जी के नाम है। तो फ्रेंड्स, मैं कांजीवड़ा भी टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कांजीवड़ा। और भैया की जो लोकेशन है, अगर आप आना चाहते हैं तो सांगानेर पुलिया के पास में राजावत फार्म है। और जैसा कि मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत तो खट्टा मीठा है, चटकेदार है और आपको बहुत मज़ा आएगा, टेस्टी लगेगा। और भैया सब कुछ घर पे बनाया हुआ है ना? हाँ जी। हाँ, तो मतलब आप सुबह निकलते होंगे 8-9 बजे, राइट? और सब कुछ तैयारी सुबह ही करते हैं आप? हाँ, सुबह करते हैं तैयारी। और सुबह शाम तो कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? शाम को 7 बजे तक, सुबह 10 बजे आते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं, है ना जी। और ये आई बॉक्स में सारा सब कुछ ठंडा रहेगा, क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा है इसमें। ये जितनी भी बोतलें सारी फ्रिज में जमा करके फ्रिज में जमा करते हैं, है ना? हाँ जी। आप एक बार आप जगह बता दीजिए कौन सी है। मैं पुष्पेंद्र भारद्वाज के ऑफिस के पास लगाता हूँ, सांगानेर रिको कांटा।